हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर। करंट अफेयर के इस सेक्शन में हम लोग 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक की 15 डेज की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल ईवी क्रे के बारे में है। इसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल है। होता क्या था कि बैंकों के पास लोन लेने के लिए जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती थी, लोन अदा ना होने की कंडीशन में बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच देती थी, लेकिन बैंक को उस प्रॉपर्टी की जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना होना, और दूसरा रीज़न ये कि हो सकता है कि कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा करप्शन किया गया हो और जिसकी वजह से उसको वो कीमत नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस पोर्टल के द्वारा ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाएगी और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, जिसकी वजह से बैंक को उस प्रॉपर्टी की उसकी सही कीमत मिल पाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में है। 1999 में कारगिल वार के बाद एक कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने इस पोस्ट के बारे में रिकमेंड किया था और अब इस पोस्ट पर जनरल बिपिन रावत को अपॉइंट किया गया है। ये इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिफेंस मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइज़र होंगे। जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ आर्मी हुआ करते थे। अब इनके रिटायरमेंट के बाद इस पोस्ट पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को अपॉइंट किया गया है। और रिलायंस ने अनाउंस किया है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह ही वो जियो मार्ट इस्टेब्लिश करेंगे। इस पर ऑनलाइन डेली रूटीन के सामान जो है वो ख़रीदे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में है। 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इस अवार्ड में एक गोल्डन लोटस, एक शॉल और 10 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत 1969 में की गई थी और पहला अवार्ड देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल लॉन्ग मार्च 5 के बारे में है। इसे CZ-5 भी कहते हैं। ये चाइना का लार्जेस्ट रॉकेट कैरियर है। ये 25 टन तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में है। ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की फर्स्ट कॉलोनी बन गई है। इसके पहले मध्य प्रदेश में हाथी आते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वापस लौट जाते थे। अब एक हाथियों का झुंड आया जो अब यहीं रहने लगा, तो इस तरह मध्य प्रदेश को हाथियों की फर्स्ट कॉलोनी मिल गई। नेक्स्ट आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के बारे में है। इस इंडेक्स में केरल ने टॉप किया है और बिहार जो है वो सबसे निचले पायदान पर है, और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में चंडीगढ़ टॉप पर है और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये सबसे निचले पायदान पर हैं। नीति आयोग के इस इंडेक्स में अगर सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने वाले राज्यों को देखा जाए तो उनमें उड़ीसा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश हैं। नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को 2018 में लॉन्च किया गया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो इस गोल को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में अडॉप्ट किया गया था और इसे 2030 तक कंप्लीट करना है। इसमें 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पत्थरगढ़ी मूवमेंट के बारे में है। इस आर्टिकल के बारे में सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि इस मूवमेंट का रिलेशन किस राज्य से है। तो इस मूवमेंट का रिलेशन जो है वो झारखंड राज्य से है। ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी हाल ही में हेमंत सोरेन की नई सरकार ने इसमें जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे थे उनको हटा लिया है। हुआ क्या था कि इसके पहले की गवर्नमेंट ने एक लैंड टेनेंसी एक्ट को लाया था। ये प्रदर्शनकारी उस एक्ट का विरोध कर रहे थे और विरोध इतना वायलेंट था कि जिसकी वजह से इस मूवमेंट के कई सपोर्टर्स के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे थे, और अब हेमंत सोरेन की नई गवर्नमेंट ने इन चार्जेस को हटा लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल यूनिसेफ के बारे में है। 2010 से लेकर के 2019 के बीच 1,70,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ गंभीर अपराध किए गए। इसीलिए यूनिसेफ ने इस 10 साल को डेडली डिकेड का नाम दिया है। बात करें यूनिसेफ की तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में न्यूयॉर्क यूएसए में की गई थी, और WHO ने 2020 को ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया है। मिडवाइफ का मतलब आशा या दाई। और बात करें WHO की तो WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आर्टिकल संतुष्ट पोर्टल के बारे में है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लॉन्च किया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन
इसके अंडर में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसके रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह की शिकायत है, तो उन शिकायतों का हल इस पोर्टल के थ्रू तेजी से पाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पीस कम्युनिटी के बारे में है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन ने अनाउंस किया है कि वो कोरियन पेनिनसुला में पीस कम्युनिटी इस्टेब्लिश करेंगे, और ये काफ़ी अच्छा कदम है दोनों कंट्रियों के बीच के टेंशन को कम करने के लिए। और नेक्स्ट आर्टिकल विश्व पुस्तक मेले के बारे में है। न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में ये पुस्तक मेला नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसका उद्घाटन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने किया है दिल्ली में। नेक्स्ट है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने सभी AC बनाने वाली कंपनियों को AC की डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस रखने को कहा है। इसका मतलब जब भी AC को ऑन किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक 24 डिग्री सेल्सियस पर ही ऑन होगी, उसके बाद इसका टेम्परेचर एडजस्ट किया जा सकता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि इंडिया में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में कमी आ रही है, लेकिन साथ ही ओबेसिटी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मतलब मोटापे में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सौम्या स्वामीनाथन ये इंडिया में चेन्नई से हैं, और अभी हम लोगों ने देखा था WHO को 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अभी हम लोगों ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में पढ़ा था, तो कौन सी लाइन है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है? आप लोग इसका आंसर सोचिए, हम लोग अभी लास्ट में इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल फार्मर इनोवेशन फंड के बारे में है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इस्टेब्लिश किया जाएगा, और न्यू दिल्ली में एक इनोवेशन सेंटर को भी सेटअप किया जाएगा जो कि फार्मर सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को अप्रूव करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, कैबिनेट में मिनरल लॉ ऑर्डिनेंस 2020 को अप्रूव किया गया है। इसके थ्रू कोल माइन एक्ट 2015 में चेंजेस किए गए हैं। अब किसी भी कंपनी को कोल माइनिंग के लिए बोली लगाने का मौका दिया जाएगा, वो चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, और उस कंपनी का एक्सपीरियंस माइनिंग सेक्टर में हो या ना हो। पहले ये कंडीशन थी कि जो कंपनी इंडिया में माइनिंग सेक्टर में काम कर रही है वही बोली लगा सकती थी, अब इस कंडीशन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में है। इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8वें वंडर्स के तौर पर जगह मिली है। ये सरदार पटेल का स्टैचू है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी हाइट 182 मीटर है। ये नर्मदा रिवर के किनारे सरदार सरोवर डैम के पास गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, किमिया अलीजा देह। ये ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक विनर है। इन्होंने कंट्री को छोड़ने का फैसला किया है। रिसेंटली ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ गई थी, हो सकता है उसकी वजह से इन्होंने ये फैसला किया हो। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 145वां स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसे 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 1875 में वाइसराय कौन था? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम लोग लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। ये IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि इसकी संख्या में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। ये सूखे घास के मैदान और झाड़ियों में पाया जाता है। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, और जो इसकी सबसे बड़ी संख्या है वो राजस्थान में ही मिलती है, और कुछ संख्या इसकी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पाई जाती है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैवीएस्ट बर्ड है जो उड़ सकती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने स्टेट में अम्मावोदी स्कीम को लॉन्च किया है। इसके थ्रू पुअर मदर और गार्जियन को 15,000 रुपये एनुअली दिया जाएगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट आर्टिकल ब्रेग्जिट डील के बारे में है। UK के प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है। अब यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन दोनों अलग अलग होंगे 31 जनवरी के बाद से। नेक्स्ट आर्टिकल कालापानी टेरिटरी के बारे में है। ये
नेपाल और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है, और इंडो चाइना वार 1962 के बाद से ये इंडिया के कंट्रोल में है। ये न्यूज़ में इसलिए है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जो इंडिया के द्वारा नया मैप जारी किया गया है, उसमें इस टेरिटरी को इंडिया के मैप में दिखाया गया है, जिसका नेपाल जो है वो ऑब्जेक्शन ले रहा है इसके लिए। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है कि काला पानी टेरिटरी का जो डिस्प्यूट है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है। और नेक्स्ट आर्टिकल, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। मॉडर्न नर्सिंग की जो फाउंडर हैं फ्लोरेंस नाइटिंगल, 2020 में इनका 200वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। इसी की वजह से WHO ने 2020 को ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ कवर्स घोषित किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में है। वैसे इस आर्टिकल को हम सेपरेटली एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट को 2 साल में एक बार मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में पब्लिश किया जाता है, और इस बार जो फॉरेस्ट कवर है वो 80.73 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, और एरिया के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 24.56% है। और अगर फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाले राज्यों की लिस्ट को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है वो कर्नाटक में, उसके बाद आंध्र प्रदेश और केरल में। और अगर एरिया के रिस्पेक्ट में देखें कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में 85.4% है, अरुणाचल प्रदेश में 79.63% और नागालैंड में 75%। और इससे एक बात समझ में आती है कि जो इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इसमें त्रिपुरा और असम को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में फॉरेस्ट में लगातार कमी आ रही है। और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो इस साउथ इंडिया में लगभग सभी राज्यों में फॉरेस्ट में ग्रोथ देखने को मिला है। नेक्स्ट आर्टिकल ICC अवार्ड से रिलेटेड है। बेन स्टॉक को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया गया है, साथ ही इन्हें सर गॉरफील्ड सॉबर ट्रॉफी भी इन्हीं को दी गई है, और विराट कोहली को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है, और रोहित शर्मा को ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2019 का। नेक्स्ट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 के बारे में है। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। इसके अंडर में दो राज्यों या राज्य और केंद्रों के बीच का जो डिस्प्यूट होता है वो इसके अंडर में आते हैं। अभी हाल ही में केरल गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इस आर्टिकल के अंडर में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस एक्ट के थ्रू थ्री कंट्री, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो आने वाले माइनॉरिटी हैं मुस्लिम को छोड़ करके, उन्हें नागरिकता देने का प्रोविज़न किया गया है। और नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में है। इस बार 107वां इंडियन साइंस कांग्रेस कर्नाटक के बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया। इस बार की थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल GSAT-30 के बारे में है। इसे हाल ही में इसरो के द्वारा फ्रेंच गुयाना के एरियन 5 के थ्रू लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 के बारे में है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इस बार के इस रिपोर्ट को 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इन्वायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोसाइटल रिस्क। और इस रिपोर्ट में जो टॉप 10 रिस्क हैं उसमें 5 ऐसे हैं जो सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिस्क हैं। और बात करें इकोनॉमिक फोरम की तो ये एक NGO है और इसे 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट आर्टिकल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के बारे में है। इस रिपोर्ट में जापान को फर्स्ट रैंक मिली है
और इंडिया का इसमें 84th प्लेस है। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो डेटा मिलता है उसके बेस पर इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल ब्रू रियांग ट्राइब के बारे में है। ये ट्राइब मिजोरम में रहती थी। 23 साल पहले इस ट्राइब के साथ मिजोरम की जो ट्राइब है उसने इनका बहुत बड़ी संख्या में इनका प्रोसिक्यूशन किया, और जिसकी वजह से ये ट्राइब जो है भाग करके त्रिपुरा में आ गई। और अब त्रिपुरा, मिजोरम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है जिसके थ्रू अब इस ट्राइब को वापस मिजोरम में भेजा जाएगा जहाँ से आए थे ये, और अब इनको मॉनेटरी और फिजिकल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि इनके साथ दोबारा ऐसा न किया जा सके। इस बार का इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस केरल के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट एसोसिएशन है। इस बार मद्रास म्यूजिक अकादमी के द्वारा संगीत कला निधि अवार्ड यश सौम्या को दिया गया है। इस अवार्ड में एक गोल्ड मेडल और एक सिटेशन दिया जाता है। अच्छा बताइए, अभी हम लोग एक और सौम्या के बारे में पढ़े थे, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में थी? उनका पूरा नाम और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक इन्वेजिव प्लांट है सेना स्पेक्टेबलिस। ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो अब केरल गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि इसके ग्रोथ को जल्द से जल्द रोका जा सके। और नेक्स्ट आर्टिकल मनी ऐप के बारे में है। इसे RBI ने लॉन्च किया है। ये जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको नोट को पहचानने में ये हेल्प करेगा, लेकिन इसमें एक कमी ये है कि ये नोट को ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, ये इसको रिकग्नाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट आर्टिकल धनु जत्रा के बारे में है। ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। इसे अभी हाल ही में वेस्टर्न उड़ीसा के बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया है। इसका मेंशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, और 2014 में इसे नेशनल फेस्टिवल का भी स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल लाई हरोबा फेस्टिवल के बारे में है। इसे अभी हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया। ये मणिपुर के मेईती कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और नेक्स्ट आर्टिकल एक्स्ट्रा ऑकुलर विज़न के बारे में है। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनको जिनके पास आँख नहीं होती लेकिन उनके बॉडी में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ों को महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, कह सकते हैं, तो इसी एबिलिटी को एक्स्ट्रा ऑकुलर विज़न कहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पेटोला साड़ी के बारे में है। ये काफ़ी महंगी साड़ियाँ होती हैं। इसे गुजरात में बनाया जाता है और इसका माल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। बाहर से इंपोर्ट नहीं, मतलब इंडिया के ही अदर स्टेट से मंगाया जाता है, तो जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो और बढ़ जाती है। अब इसके इसके जो थ्रेड्स हैं उसके लिए एक सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो गुजरात के सुंदर नगर में इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब यहाँ लोगों को रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल नियॉन के बारे में है। ये दुनिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन है। इसे स्टार लैब के द्वारा बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये इंसान की तरह इमोशन शो कर सकता है। समझ तो है ही, लेकिन ये इमोशन भी शो कर सकता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने लिथियम सल्फर बैटरी को डिस्कवर कर लिया है, और माना ये जा रहा है कि ये बैटरी लिथियम आयन बैटरी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये लिथियम आयन बैटरी का सक्सेसर बन जाए। अब उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हम लोगों ने बीच में किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हमने पूछा था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर डिवाइड है उसका क्या नाम है? तो आंसर है 38 पैरेलल। और मैक मोहन लाइन जो है ये इंडिया चाइना तिब्बत बॉर्डर को बनाती है, और मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, और 49 पैरेलल जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और बात करते हैं 1875 में वाइस राय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, और इन्हीं के टाइम में कूका मूवमेंट जो है वो चलाया गया था पंजाब में।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इस आर्टिकल में इतना ही है। थैंक यू।